जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। वो रिदा के घर में कोई फंक्शन था, हम सबको बुलाया था, मैंने मना कर दिया, उसने रिदा को भी जाने नहीं दिया। इस बात पर खूब लड़ाई हुई, वो गुस्से में घर से निकल गया, वो अपने कमरे में सड़ी बैठी। आती धाक बिठा ली भाई अपने ससुराल में, अब मजाले कोई ऊंची आवाज में मेरे भाई से बात करे। मेरी मंगनी से ज्यादा जरूरी काम पड़ गया उसको, झूठ बोल रही है आप मुझसे, जरूर उसके ससुराल वालों ने रोक लिया होगा उसको। नहीं बेटा ऐसा नहीं है। सही बात, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, बहुत परेशान रहती है। अगर नहीं खुश रख सकते तो बता दें, हम ले आते हैं उसको, जिंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा उसे। रिदा वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का तुम लोग आ गए, मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक बेटा, आओ आओ। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। उस्मान आ गए, अब ये सब मेरी शिकायत लगाएंगे। साहबजादे आज कुछ ज्यादा देर नहीं हुई उनको? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी ट्रैफिक में फंस गया था, आने में थोड़ा लेट हो गया। नहीं नहीं तो क्या हो गया, यहाँ कौन सा तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा था? हार फूल लेके तुम्हारे लिए कौन सा इस्तकबाल के लिए खड़े थे हम? हाँ हार फूल की क्या बात है बेटा, यहाँ तो सारे जमाने में हमारे जुल्म के किस्से दोहराए जाते हैं, तुम हार फूल की बात कर रही हो? ये जो तुम्हारी बीवी है, इससे जाके पूछो हमारा क्या कसूर है जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रही है, कौन सा जुल्म कर दिया जिसका ऐलान पूरे जमाने में कर रही है ये, पूछो जरा इससे। काशवा बाजी हुआ क्या है, मुझे बताया तो सही, क्या किया रिदा ने? सब तुम्हारी ढील का नतीजा है, अगर तुम उसको इतना सर पे ना चढ़ाओ ना तो उसकी जरूरत नहीं है कि हमारे लिए ऐसी बातें करे। रिदा 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 उस्मान, किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम पे किसी बात का असर होता है कि नहीं? क्यों तुम ऐसे काम करती हो जिसकी वजह से सब नाराज होते हैं? तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। कितनी दफा मैंने तुम्हें समझाया कि अम्मा अब्बा का कहना माना करो, इनकी खिदमत किया करो, लेकिन नहीं, क्यों शिकायत मिलती है मुझे बार बार? आखिरी दफा समझा रहा हूं, आज के बाद मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, समझी? तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी, सांप बना के रखा हुआ है। मैं ऊपर जा रहा हूं, ये चाय और पानी लेकर मेरे पीछे मत आना तुम। हाय मेरा बच्चा, बेचारा थका हुआ दफ्तर से आया है, लेकिन मजाल है जो इसे उसका ख्याल हो। अब खड़ी मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहां से। तो बस तो खबर नहीं, को बता रही हूँ अम्मा, अजीब सी लड़की है, जाने नहीं छोड़ती, हर वक्त पीछे पड़ी रहती है उसके। उस्मान कहाँ जा रहे हो? आ रहा हूँ। कहाँ जा कर रहे हो भाई? मैंने कहा ना आ जाओ मैं थोड़ी देर में। अरे अभी तो वापस आए थे, अब कहाँ जा रहे हो उस्मान? जब मर्द को घर में सुकून नहीं मिलता ना तो इसी तरह गलियों में आवारा फिरता है वो, तुम देखना जहन्नम ऐसी ही औरतों से भरी हुई होगी, बेहिस बेदीन औरतें। सही कह रहे हैं अब्बा। मैं भी सही कह रहे हैं, मर्द भी कम नहीं होंगे वैसे।
बेटा, अजहर भी तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए आ जाता तो बहुत अच्छा होता। मम्मी आप जानती तो है वो कैसे आ सकते हैं, इतनी दफ्तर की मसरूफियात है, मुझे भी टाइम नहीं दे पा रहे वो। वो अपने घर वालों के लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं उस पर। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हें भेज दिया यही काफी है। अजहर अपने घर वालों के लिए कितना कुछ करते हैं, जो उनकी ख्वाहिशात है सब पूरी करते हैं, लेकिन उन लोगों के दिलों में उसके लिए ना कोई अहमियत है ना कोई मकाम है। नहीं बेटा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदल जाता है, और मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला उनके दिल में रहम दिलाएंगे। छोड़े हमें क्या बातें लेकर बैठ गई हैं, मैं इस घर में जरा सुकून के लिए आई हूँ। अपनी बताएं स्कूल कैसा जा रहा है, टीचिंग के द्वारा? अरे बहुत अच्छा जा रहा है, उसने मुझ बेसहारा पर बहुत एहसान किया, मुझे स्कूल की जॉब दिलवाई, वरना तुम्हारे अब्बा के चले जाने के बाद ना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कोई आमदनी का जरिया नहीं था, बस सर छुपाने को ही छत थी मेरे पास। अम्मी अजहर ने आप पे कोई एहसान नहीं, अजहर बस ये चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द जितने भी रिश्ते हैं वो सब खुश रहे, सुकून से रहे। नहीं बेटा, अजहर के एहसानों का जितना भी मैं शुक्र अदा करूँगा वो कम है, अगर वो मुझे अपने दोस्त के यहाँ जॉब के लिए ना भेजता तो बताओ मैं क्या करती, अकेली दर बदर की ठोकरें खा रही होती, क्या होता बताओ मैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, किसी ने आप पे कोई एहसान नहीं किया और आप लावारिस नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। बेटा तुम मेरी इकलौती औलाद हो और तुमने तो विदा होने के बाद बेटों जैसा ख्याल रखा मेरा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, तुम और असर मेरी जिंदगी में फरिश्तों के मानिंद हो। अच्छा बस बस ये जो तुम्हारी बीबीए से जाके पूछो हमारा क्या कसूर है, जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रही है, कौन सा जुल्म कर दिया जिसका ऐलान पूरे जमाने में कर रही है, ये पूछो जरा इससे। सब तुम्हारी ढील का नतीजा, सब तुम्हारी ढील का। अगर तुम उसको इतना सर पे ना चढ़ाओ ना तो उसकी जुरत नहीं है कि हमारे लिए ऐसी बातें करे। अनीक की बात पक्की कर दी और हमें इस बार तुमसे बात हुई, तो खुद कुछ नहीं पता था, तुम्हें पता ही नहीं, मतलब मशवरा भी नहीं दिया तुमसे, दामाद की कोई हैसियत ही नहीं। सही कह रहे हैं मां बाप, तुम्हें मेरी इज्जत की जरा परवाह नहीं। कहाँ थे तुम और रात को इतना लेट से क्यों आए हो, पता है वो बेचारी कितना परेशान थी तुम्हारे लिए। उसी के दिए जख्म भुगत रहा हूं। एक तरफ की सुनकर फैसला मत किया करो। आप क्या कहना चाहते हैं सर भाई, हम अब झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, माफ कीजिएगा, आप मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आपकी तरह जन मुरीद नहीं बन सकता मैं। देखो कैसा चेहरा उतर गया, अरे बेटा क्यों अपने आप को परेशान करके बीमार करोगे? परेशान नहीं हूं पर मैं ठीक हूं। क्या हाल ठीक हो यार, खुदा खाल करें बाबू को, दुख झेलें भी फाकता को भी अंडे खाएंगे। अरे जवान बच्चे इसलिए थोड़ी हवाली कहते हैं कि उनकी जिंदगियों को आग लगा दे, तुझे तो मिर्चे लगेगी और तो कुछ काम नहीं तेरा, कुछ कह दो उनकी बीवी को बस, खाओ बेटा खाओ खाओ। मम्मी कितनी फिक्र करती हैं आप मेरी, ना फिक्र करें मैं मैनेज कर लूंगी, और वैसे भी ये अपनी शान से जो है कि देर में उठेगी, मुझे तो लगता है जब आप वापस आएंगी ना तभी उठेगी, रात को इतनी देर से सोई थी ये।
अरे बेटा देखो अपना बहुत ख्याल रखना, बच्चों के एग्जाम की मजबूरी ना होती ना तो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कभी ना जाऊँ। ये रिश्ते नाते चलते रहते हैं लेकिन ये काम भी तो जरूरी है ना। ठीक कह रही हो, देखो अपना बहुत ख्याल रखना ठीक है। और किचन में मैंने नाश्ते की तैयारी सारी करके रख दी है, शाम से उठे तो उसे अच्छी तरह से नाश्ता करा देना और खुद भी कर लेना। मम्मी आप मेरी कितनी फिक्र करती हैं, आप जाएं आराम से मैं कर लूंगी ना। कैसे ना करूं, ऐसी हालत है। और सुनो मुझे आने में ना थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि बच्चों के एग्जाम के बाद प्रिंसिपल के साथ मीटिंग है मेरी ठीक है। और कोई इमरजेंसी हो तो तुम मुझे फौरन कॉल कर देना। कर लूंगी कॉल, अब आप जाएं चले आराम से। जा रही हूँ ना, सारा ध्यान तुम में लगा। तुम पे किसी बात का असर होता है कि नहीं? बात का असर होता है कि नहीं? बात का असर होता है। क्यों तुम ऐसे काम करती हो जिसकी वजह से सब नाराज होते हैं? जैसे सब नाराज होते हैं तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। शर्मिंदा होना पड़ता है मुझे। तुम्हारी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। सांप बना के रखा हुआ है। सांप बना के रखा हुआ है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ। चाय और पानी लेकर मेरे पीछे मत आना। लेकर मेरे पीछे मत आना। लेकर मेरे पीछे मत आना। क्या कर रही हो भाई, इतने गौर से क्या देख रही हो? क्या मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती तुमसे मिलने? कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, अगर मेरी सास ने मुझे तुम्हारे सुघड़ होने के ताने दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो काशवा बाजी, आप? हाँ क्यों, इतने हैरान होने की क्या जरूरत है, मैं नहीं हो सकती? नहीं बाजी ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ रिदा को तो कॉल कर लेते हो तुम, और जब मैं कॉल करती हूँ तो मेरी कॉल तो रिसीव नहीं करते। वो उस वक्त मैं काम में बिजी था, आपको कॉल करने ही वाला था बस। एक बात बताओ, तुम दोनों भाइयों ने मुझे पागल समझ के रखा हुआ है? हाँ थोड़े दिन के लिए मैं इधर मैके में रहने के लिए आती हूँ और तुम लोगों के मिजाज ही नहीं मिलते। एक बात बता दूं, इस घर में आना मेरा हक है, मैं आना नहीं छोड़ूंगी। और यही बात तुम दोनों अपनी बीवियों को भी समझा दो। जी। खाना ना बनाने से बचने के लिए कमरे में आके बैठी हुई है। बताओ मुझे ये इज्जत है मेरी छोटी भाभी की नजर में? और एक बात बता दूं, ये सब तुम्हारी ढील का नतीजा है। बीवी कब आ रही है तुम्हारी? बस एक दो दिन में जाके ले आऊंगा उसको। ले आऊंगा क्या मतलब, इतनी नन्ही नहीं है कि मैके से ससुराल ना आ सके। तुम क्यों लेने जाओगे, कोई जरूरत नहीं है। वो अम्मा भी अस्पताल से आ गई हैं। हाँ तो मैंने कहा था ना कि ज्यादा बीमार नहीं है, कहा था ना, तुम फावा हाँ परेशान हो रहे थे यार। तो क्या इरादा है उनका, वो मतलब तुम्हारे यहाँ रहेंगी या के जाएंगी खैर से छोटे भाई के साथ? जी अभी इस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। देखो ये तुम्हारे घर का मामला, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ काशवा अभी 10-15 रोज नहीं जाएगी। हाँ लेकिन भाई घर पर है, फैमिली भी है, अम्मा भी आ गई हैं, अब मेजबान नहीं होंगे ये मुनासिब तो नहीं लगता ना। काशवा गई थी ना तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ 2 साल पहले, तो तुम्हारे भाई और भाभी ने क्या कहा था, हम आपको मेहमान नहीं समझते, घर वाला समझते हैं,
उसके बाद भूल ही गए कि आए गए की को खिदमत करनी होती है। तो बस फिर अब काशवा से कोई उम्मीद न रखें। तुम्हें अपनी बहन की इज्जत का ख्याल नहीं, लेकिन हमें अपनी बेटी का एहसास है, उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। जी। कहाँ चले? घर में वो औरत नहीं है जिसे तुम्हारे वालिदैन के पास बैठना बुरा लगता है? जी वो थोड़ी देर रेस्ट करना चाह रहा था। हाँ करो रेस्ट, शाबाश करो, फिर वो आ जाएगी, दिन का चैन सुकून सब बर्बाद हो जाएगा, है ना? जाओ। वो काशफा और गुड्डू कहाँ? गुड्डू तो बराबर वालों के यहाँ खेलने गया है और काशफा सो रही है, बस मैके में आके ही अपनी नींदें पूरी करती है मेरी बच्ची। उसे एक बात में कुछ सोचो जरा फ्यूचर के बारे में, कोई तनख्वाह वनख्वाह तो इतनी गुजारा होना मुश्किल है, कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर लो। पार्ट टाइम जॉब? अरे हाँ हाँ, 5 बजे के बाद तुम्हारी छुट्टी हो जाती है, उसके बाद तो फारिग होते हो ना, तो कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। सही तो कह रहे हैं जी। मैं सादिया को अपने साथ ना मार्केट ले जाना चाह रही हूँ ताकि अपनी पसंद से सारी शॉपिंग कर ले। अब तो सादिया आपके घर की इज्जत है, आप उसे अपने साथ जहाँ भी लेके जाना चाहती हैं ले जाएं, मुझे क्या एतराज होगा। माशाल्लाह से अब तो शादी में दिन भी थोड़े रह गए। अच्छा नेक भी साथ जाएगा, अच्छा है ना, दोनों एक साथ शॉपिंग कर लेंगे। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी अनीक की वजह से खत्म हो गई। उसने मेरी बेटी का हाथ इतनी मुश्किल वक्त में थामा है, मैं उसका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगी। ये तो सब अल्लाह की तरफ से है खालदा, उसने सादिया की खुशी का रास्ता नेक के जरिए दिखाना था, बस दुआ है कि अल्लाह पाक दोनों को नजरे बस से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, खुश रहो बेटा। बेटा आज खाला के साथ बाजार चले जाना। ठीक है। अच्छा बेटा अनीक ऑफिस से आ जाए ना, फिर चलते हैं। खुश है? हाँ माशाल्लाह। हेलो जी अजहर बोलिए। हाँ फरहीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? शांजी कैसी है? आपके घर से निकल के बाहर जाने वाला इंसान खुश रह सकता है, मैं भी पुरसकून हूँ। शांजी बाहर खेल रही है। देखो मैं जानता हूँ तुम इस घर में खुश नहीं हो, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं भी तो मजबूर हूँ ना, मैं अपने माँ बाप को अकेला तो नहीं ना छोड़ सकता। मैंने आपसे कब कहा है कि आप उन्हें छोड़ दें? लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, आपके इन्हीं अपनों की वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा अजहर। ऐसा ना सोचो फरहीन, अल्लाह ताला ऐसा कोई दिन ही ना लाए, अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत हर मुश्किल से दूर रखे बस। और सुनो तुम भी ना अब गुस्सा थूक दो, पता नहीं क्यों मैं बहुत बुरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला एक ना एक दिन मेरे माँ बाप के दिल में तुम्हारी मोहब्बत का बीज बो ही देगा। अच्छा आंटी किधर है? आंटी से भी बात करनी थी। मम्मी अभी तक स्कूल से नहीं आई। तक नहीं आई? अच्छा सा टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। हाँ बता के गई थी कि एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद आएंगी, देर होगी। चलो जब वो आए तो मेरी बात करवा देना। और सुबह कब तक आ जाओगी? क्या मतलब, आप मुझे लेने नहीं आएंगे? नहीं यार वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। असर आपने मुझे कहा था कि आप मुझे लेने आएंगे। हाँ लेकिन वो ना एक मीटिंग आ गई है जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाऊंगा, तुम खुद आ सकती हो ना? अच्छा भाई आ जाऊंगी, आप आ जाते ना तो मम्मी बहुत खुश होती। मेरी तरफ से आंटी से माजत कर लेना, मैं अगली बार चक्कर लगा लूंगा, पर अपना ख्याल रखना ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो सादिया ने कहा कि तुम्हें भी साथ ले लें। अरे आप दोनों शादी की शॉपिंग स्टार्ट भी कर दी, मैं तो भाई की शादी पे बहुत मजे करूंगी। ओहो आप लोग आए हुए हैं माशाल्लाह।
अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। इतना शोर सुना तो मैंने कहा चल के देखूं कौन आया हुआ है, क्योंकि हमारे मिलने वाले में इतना शोर तो कोई करता ही नहीं है। ये बेवक्त कैसे आना हुआ? बेवक्त बहन से मिलने के तो उसके घर किसी वक्त भी आया जा सकता। बहन के घर मिलने? अच्छा, ये बहन का घर है? अंकल आप आए ना, बैठे। नहीं, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, तुम ही बैठो। आओ भाई आओ। काशफा तुम क्यों आ गई? ये तो अब अपने बहन से मिलने आए हैं उसके घर पे। काशफा बेटा कैसी हो? तुम एक काम करो काशफा बेटा, अपने बच्चे को भूखा सुला दो। अब रीता बीबी तो किचन में जाएंगी नहीं, अपने घर वालों के साथ बैठेंगी। जी अप्पा। भाई साहब आपसे इजाजत लेनी थी। कैसी इजाजत? दरअसल हम लोग शादी की शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो सोचा रिदा को भी साथ ले लें। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हो सकता है अब्बा? अभी तो किचन पूरा बिखरा पड़ा है, काम भी नहीं पूरा हुआ, ऐसे कैसे लेके जा रहे हैं आप लोग? सही है काशफा, दामाद भी आया हुआ है, खाना कौन बनाएगा? ये चली गई तो नहीं भाई, आज आज नहीं हो सकता उसका। बस कुछ जलने की बदबू आ रही है मुझे। अरे क्या रखा है चूल्हे पे, जाओ देखो क्या है चूल्हे पे रखा हुआ, जल गया सारा। जाओ बेटा जाओ, तुम भी जाके देखो। जी अब्बा। बैठ जाइए, अब आ गए तो बैठे ना, तशरीफ रखें। अरे छोड़ो खाने को, तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेने आई है, जाओ जाके रेडी हो जाओ। लेकिन अभी तो खाना बन रहा है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? खाने का क्या है, काशवा है ना, काशवा खाना बना ले। क्यों काशवा? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। इसको छोड़, मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे घर वाले अचानक जो टपक पड़े हैं, इनको जरा एहसास नहीं है कि किसी घर आता है इंसान इन्फॉर्म करके आता है, बिन बुलाए मेहमानों की तरह आ गए। क्या इस्ता? ऊपर से डिमांड क्या कर रहे हैं कि तुम्हें लेके जाना है? क्यों लेके जाना है भाई, ससुराल है तुम्हारा, तुम्हारी कोई जिम्मेदारियां है ना इस घर में, इनको बताओ एहसास होना चाहिए कि नहीं? मैं बोल दूंगी आप, प्लीज फ्राइज। सही है, खाना क्या बनाया है? इंतजार कर रहे हैं बाहर खाने का। सालन बन गया है। सालन बन गया, पीना है क्या खाली? रोटियां बनाई है कि नहीं बनाई है? नहीं बनाई ना, जल्दी करो, एहसास नहीं है तुम्हें किसी बात का, इंतजार हो रहा है, जल्दी करो। कैसी हैं आंटी, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बेटा। और ये गालबन आपकी होने वाली बहू है ना? हाँ बेटा, ये मेरी बहू है सादिया। भाई आप दोनों को एंगेजमेंट की बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम जी, करो बेटा। अनिल जी आप लोग आ रहे थे तो पहले से बता देते। मैं भी यही कह रही थी, इंसान किसी के घर जाता है तो ऐसे अचानक थोड़ी पहुंच जाता है, बता के तो जाता है ना। वो दरअसल शॉपिंग के लिए जा रहे थे तो सोचा रिदा को भी साथ ले चलें, इसीलिए आपको बेबक तकलीफ थी। अच्छा शॉपिंग का प्लान है, वाह भाई। रिदा किधर है? किचन में होगी। रिदा, रिदा। जी अजहर भाई। अभी क्या कर रही हो? वो मैं खाना बना रही थी, आई एम सॉरी लेट हो गया आज। अरे छोड़ो खाने को, तुम्हारी अम्मी तुम्हें लेने आई है, जाओ जाके रेडी हो जाओ। लेकिन अभी तो खाना बन रहा है, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? खाने का क्या है, काशवा है ना, काशवा खाना बना ले। क्यों काशवा? और मेरी बात सुनो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें खुद लेने आई है, जाओ निकलो एंजॉय करो यार। अच्छा सुनो, जल्दी आने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से अपने भाई की शादी की शॉपिंग करना, जो ऑफिस का काम है मैं देर तक जाग रहूंगा। बाहर आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना, मैं गेट खोलूंगा, अब जाओ तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ।
बहुत शुक्रिया बेटा। अरे आंटी ये कोई बात है करने वाली? काशवा हमारी बहन है, इसकी शादी को इतने साल हो चुके हैं लेकिन आज भी अम्मा अब्बा इसकी राह देखते हैं। हम अपनी कोई भी खुशी इसके बगैर मुकम्मल नहीं समझते। आपकी भी बेटी है, आपके भी कुछ इसी तरह के जज्बात होंगे उसको लेके। कैसी रही आपकी मीटिंग अम्मी? बहुत अच्छी, मगर एक परेशानी की बात हो गई है। परेशानी? कैसी परेशानी? कल हमारे स्कूल में लास्ट पेपर है, उसके बाद प्रिंसिपल 2 दिन के लिए सारे टीचर्स को इस्लामाबाद लेकर जा रही हैं। इस्लामाबाद? लेकिन क्यों? जिस स्कूल में मैं जॉब करती हूँ ना, उसकी ब्रांचेस सारे मुल्क में है, सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है। अब इस्लामाबाद में भी ब्रांच खुल रही है तो सारे टीचर्स इस सिलसिले में इस्लामाबाद जाएंगे। वाओ अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल से आपको जरूर जाना चाहिए। मैं वैसे भी कल घर जाने का सोच रही थी, फिर आप यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। अच्छा है ना, आपकी भी आउटिंग हो जाएगी। बेटा इस हालत में मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारी डिलीवरी का टाइम करीब है और तुम्हारे साथ मेरा होना बहुत जरूरी है। अम्मी असर के होते हुए आपको मेरी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जानती है ना वो मेरा कितना ख्याल रखता है। लेकिन बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप जा रही हैं, खाना खत्म करें और चलें पैकिंग करते हैं। अम्मी, अम्मी, अम्मी बहुत भूख लगी है, सादिया को खाना लगा दे प्लीज। बेटा मैं लगा देती हूँ, सादिया अनीक और रुखसाना के साथ शादी की शॉपिंग के लिए गई है। शॉपिंग पे गई है तो बहुत अच्छी बात। हाँ बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है सादे के भी नसीब खुल गए। अनीक जैसा लड़का जमाने में चिराग उठाकर भी ढूंढे ना तो नहीं मिलता। अनीक बहुत अच्छा लड़का है हमारी सादिया के लिए, उसे हमेशा खुश रखेगा। मैं सोची थी इस बार भी सादिया को हम कुछ ना कुछ दे दें। हाँ अनीक ने कोई जहेज नहीं मांगा, लेकिन मैं उसको खाली हाथ रुखसत नहीं करना चाहती। फिक्र ना करें अम्मी, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए आसमान के सारे सितारे उसे कदमों में लाके रख दूं। कितनी खुशनसीब है सादिया, उसे तुम जैसा भाई मिला। तुमने पहले भी उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी, अपने पढ़ाई के पैसों से उसका जहेज खरीदा, और अब भी तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हट रहे। तुमने अपनी बहन के सारे हकूक अदा किए। ये तो मेरा फर्ज है अम्मी, और सादिया की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ हो सकता है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो मुस्कुराती रहे और उसका घर बसा रहे, इंशाल्लाह। अच्छा जाओ ना, मुंह हाथ धो लो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, जाओ। अब्बा अब्बा बस सबर करें, ये पानी पी लें, आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो रहा है, पी लें। नहीं नहीं मुझे नहीं पीना पानी, बिल्कुल भी नहीं पीना भाई मुझे पानी। क्या जिल्लत हुई है, क्या बेइज्जती हुई है सुमन में, हैं? मैंने तो सोचा भी नहीं था। और करने वाले कौन है, मेरे अपने बेटे जवान जहान? या अल्लाह ये कैसी आजमाइश है, अल्लाह कैसी आजमाइश है ये परवरदिगार। सॉरी अब्बा, मुझे नहीं मालूम था कि आपने मना किया हुआ है, अगर पता होता तो मैं उसे कभी जाने की इजाजत नहीं देता। वैसे हाथ धोती है ढिटाई की, मतलब तुम्हारे अब्बा ने मना किया लेकिन वो लेकर चले गए, यानी तुम्हारे अब्बा की बात को जूते की नोक पे रखा, तुमसे इजाजत ली और ये जा वो जा। बहुत मक्कार है इसके ससुराल वाले, देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो। वो भी चुपके से साथ हो ली, बस अब वापस आए ना उसे घर में नहीं घुसने देना, कहना जाए अपनी माँ के साथ ही रहे, हमारे घर में कोई जगह नहीं है उसके लिए। उसे पता तो चले हमारी बात को अहमियत ना देने का क्या नतीजा निकल सकता है। कौन निकालेंगे उसे, ये अरे इनके इनके अंदर इतने गुण होते ना तो बुढ़ापे में बाप के सर में खाक में डलवाते ही है, ससुराल के सामने बेइज्जती ना उड़ाते मेरी, सब बैठे हुए हंस रहे होंगे वो। अरे ये तो बाप को कुछ नहीं समझते, बाप ने मना किया इन्होंने साथ चलता कर दिया, वाह। पर मैंने आपसे कहा ना मुझे नहीं मालूम था कि आपने मना किया हुआ। तुम्हें नहीं पता था, तुम्हारी बीवी को तो पता था ना, उसके सामने मना किया था, उसने बेइज्जती की मेरी। वैसे इस बात की बाजपुरस तो होनी चाहिए नहीं? जी जी क्या मतलब जी,
क्या मतलब इस जी का? तुम्हें उस लड़की से मेरी बेइज्जती का बदला लेना है, समझ गए तुम? अब्बा मैंने आपसे कहा तो है वो आएगी तो मैं पूछ लूंगा उससे। ऐसे नहीं, यहां लेके आना, मेरे कमरे में मेरे सामने पूछना, समझे? अच्छा अब्बा ठीक है ठीक है, आप प्लीज काम डाउन हो जाए। वो आएगी तो आपके सामने पूछ लूंगा उससे। अरे छोड़ो भाई जान, बस 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 आप अपनी तबीयत संभालो। पानी पिए, पानी इसी से ब्लड प्रेशर कम होगा। ठंडे पसीने भी आ रहे हैं आपको, आप प्लीज। उस्मान की कॉल है, देर हो गई है ना, शायद नाराज है, मैं बात करती हूँ। हेलो उस्मान, सॉरी पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया शॉपिंग में, बस हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। सुनो मेरी बात सुनो, तुम अपनी अम्मी और अनीक के साथ अपने घर चले जाओ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? बहुत लेट हो गया, घर का दरवाजा कौन खोलेगा, मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है तुम कल सुबह आ जाना। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या जिल्लत हुई है, क्या बेइज्जती हुई है सुमन ने, है? और करने वाले कौन है, मेरे अपने बेटे, जवान जहान, जवान जहान, जवान जहान। तुम्हारे अब्बा ने मना किया लेकिन वो लेकर चले गए, यानी तुम्हारे अब्बा की बात को जूते की नोक पे रखा, तुमसे इजाजत ली। बहुत मक्कार है इसके ससुराल वाले, देखना तुम्हारा क्या हाल करेंगे। बस अब वापस आए ना, उसे घर में नहीं घुसने देना, कहना जाए अपनी माँ के साथ, हमारे घर में कोई जगह नहीं है उसके, कोई जगह। उसे पता तो चले हमारी बात को अहमियत ना देने का क्या नतीजा निकल सकता है। माशाल्लाह रुखसाना, बहुत ही प्यारा जोड़ा है। हाँ है तो प्यारा, पर इसकी खूबसूरती में तब इजाफा होगा जब मेरी सादिया इसे पहनेगी। वैसे खालदा शादी की तैयारियां तो सारी मुकम्मल हो गई, अब तो मेरी यही ख्वाहिश है कि बस जल्दी से मेरी सादिया अनीक की दुल्हन बनकर घर आ जाए। मेरी भी यही दुआ है कि मेरी बच्ची अनीक की जिंदगी में खुशियां भर लाए। बातों में तुम्हें भूली गई, रिदा कहाँ है, वो भी तो आप लोगों के साथ गई थी। हाँ वो भी साथ गई थी, लेकिन कोई कोई सी थी, मैं तो उसे यहाँ पर लेकर आना चाह रही थी लेकिन वो खाला की तरफ चली गई, शायद कोई काम होगा। वैसे जब से उस्मान भाई की कॉल आई तब से वो डिस्टर्ब लग रही थी मुझे। लेकिन बेटा हो सकता है वो इस वजह से परेशान हुई हो कि उस्मान ने अचानक उसे यहाँ रुकने के लिए कह दिया था। खाला कहीं रिदा के ससुराल में कोई हंगामा तो नहीं हुआ, मुझे उन लोगों का रवैया ठीक नहीं लगा था रिदा के साथ। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात अगर होती तो उस्मान उसे वहीं बुलवा लेता ना, यहाँ रुकने के लिए ना कहता। अल्लाह करे ऐसे ही, लेकिन रिदा का पल पल सांस लेना वहां पे अजीरन हुआ। बस दुआ करो बेटा, अल्लाह पाक मेरी बच्ची के लिए आसानियां कर दे। आमीन। अच्छा वो चीजें तो दिखाओ ना अम्मी को, दिखाओ खालिद।
मैं एक काम करती हूँ, उस्मान को फोन करके उनकी खैरियत मालूम कर लेती हूँ, तभी आएगा मेरे दिल को सुकून। नहीं नहीं, रात इतनी हो गई है, फिर उनको सुबह ऑफिस के लिए भी तो उठना होता है। वैसे अंकल आंटी, मुझे यकीन है वो मुझसे बहुत खफा होंगे, और उन्होंने मुझे उस्मान के सामने कितना बुरा और भला कहा होगा, समझ नहीं आता ये बेबसी आखिर कब तक मेरा पीछा करेगी, आखिर कब अंकल और आंटी के दिल में मेरी जगह बनेगी, आखिर वो दिन कब आएगा जब वो मुझे अपनी बहू का दर्जा देंगे। अब्बा बस जो है ना आपके सामने रखा वो ही खा लें भाई, अब मेरी हिम्मत नहीं अकेले जाके किचन में खड़े होके इतने लोगों के लिए पराठे बनाऊं, सर में दर्द हो रहा है मेरे। और आपकी बहू बेगम वो तो जाके मैके बैठ गई, आने का नाम ही नहीं ले रही। क्या रात को नहीं आई वो? नहीं, कहां वापस आई है, शॉपिंग का बहाना करके गई और लौटी नहीं। कारनामे सुन रहे हो भी लड़ लिए, तुम्हारी ढील की वजह से हो रहा है सब कुछ। अब्बा उससे मैंने ही कहा था। क्या कहा था? यही कि अगर वो शॉपिंग से लेट हो जाए तो अपने घर भी रुक जाए, यहाँ पे आएगी हम लोग सब सो रहे होंगे, डिस्टर्ब होंगे। मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ, खुदा हाफिज। हाँ, अपनी नींद खराब नहीं करोगे हैं? अपनी बहन का कोई एहसास नहीं है? नाश्ता भी मैं बनाऊँ, दोपहर का खाना भी अकेली बनाऊँ है? जवाब दो मुझे, मुलाजमा हूँ मैं क्या सबकी? ऑफिस जा रहा हूँ, हो गया मेरा नाश्ता। हो गया नाश्ता? बेवकूफ है अब्बा, बहुत बड़ा बेवकूफ है। मैं आपको बता रही हूँ, इस लड़के पे नजर जमा के रखे, वरना इसके ससुराल वाले गुलाम बना के रख लेंगे इसे। अरे फिक्र न करो, सब देख रहा हूँ, ससुराल बनूंगा, ऐसा बंदोबस्त करूंगा, कदम में रखेंगे आप। लो, इनकी कमी रह गई थी। अब नाश्ता वास्ता मत पूछो, ये बच्चा होगा भाइयों का, वो रख देना इनके आगे। अस्सलाम वालेकुम। फुर्सत मिल गई आने की वापस? आप तो खुद इतने दिन से यहाँ पड़ी हुई है और मुझे जताएंगी, क्या बात है आपकी। मेरी बेटी को तंज करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? अपने बाप के घर में बैठी है, तुम जब गई थी ना तुमने शुक्र अदा किया था अल्लाह का, जाओ सारी जिंदगी मैके बैठो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैके जाए मेरे दुश्मन, आओ शान से चलो। देखा कैसा जिज करके गई है, तुम देख लो, अच्छा नहीं होगा, इसके साथ रोएगी सारी उम्र रोएगी, इसकी बातों को दिल पे मत लेना बेटा, इसके साथ तो वो होगा कि दुनिया देखेगी सारी। इंशाल्लाह अब्बा इंशाल्लाह। वो रख देना सब चीजें, ये भाइयों की बच्चे में अंडे है ना, ये डाल देना उनके आगे। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा।